रानू मंडल इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में चल रही हैं। स्टेशन पर गाना गाकर गुजारा करने वाली ये महिला आज इंटरनेट सेंसेशन बनी हुई है। अब तक रानू बॉलीवुड में हिमेश रेशमिया के साथ 3 गाने डेब्यू कर चुकी हैं, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। हालांकि बॉलीवुड में गाने का मौका मिलने के बाद रानू मंडल की बेटी एलिजाबेथ साठी रॉय अपनी माँ से मिलने आई। बता दें कि रानू के मशहूर होने के बाद लोगों ने अपनी माँ को इस हालत में छोड़ देने के लिए रानू की बेटी को खूब खरे खोटी सुनाई थी। बता दें इन दोनों की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें रानू अपनी बेटी के संग गाना गाते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि रानू मंडल की बेटी भी अपनी माँ की तरह ही गाना गाती नजर आ रही हैं। एलिजाबेथ अपनी माँ रानू के साथ गाना गाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एलिजाबेथ आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाना गाते हुए नजर आ रही हैं और माँ रानू भी बेटी के साथ मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल अभी हाल ही में रानू की बेटी ने रानू को स्टार बनाने वाले और उनके मैनेजर इतेंद्र चक्रवर्ती और तपन दास पर गंभीर आरोप लगाया है। अब इस मामले पर रानू मंडल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बेटी के इस बयान की सच्चाई बताई है। रानू मंडल की बेटी एलिजाबेथ ने इतेंद्र चक्रवर्ती पर आरोप लगाया कि वे लोग उसे माँ से मिलने नहीं दे रहे हैं, बल्कि कोशिश करने पर उसके पैर तोड़ने की धमकी दी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.